रीता पकवान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बथुआ साग की स्वादिष्ट पूरी। ये सर्दियों का खास साग है। बथुआ साग की पूरी बनाने का मैं तैयारी करने जा रही हूँ। इसके लिए देखिए बथुआ साग को मैं महीन महीन काट के रखी हूँ और काट के इसको 4-5 पानी से अच्छी तरह से मैं धो ली हूँ। उसके बाद मैं 8-10 हरी मिर्च ली हूँ, 1 इंच अदरक को ग्रेट करके रखी हूँ और इसमें लहसुन थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी करके लेना है। 2 चम्मच मैं सूजी ली हूँ, मोयम के लिए घी, नमक और आटा। अब इसे मैं कढ़ाई में इसको जस्ट इसको पानी को सुखाना है, गर्म करना, बॉईल नहीं करना, सिर्फ इसका पानी को सुखाना है। सुखा के इसको ग्राइंड करके तब मैं पूरी के आटा को गूंथूंगी। देखिए खाली कढ़ाई में बथुआ साग को मैं डाल रही हूँ, डाल करके बस इसका सिर्फ पानी को सुखाना है। इसका जो हरापन है, कच्चापन है, इसको दूर हो जाएगा सुखाने से और तब इसकी पूरी जब बनेगी बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी बनती है। देखिए साग एकदम अच्छी तरह से सूख गया। अब मैं इसको उतार करके पंखा में ठंडा करके इसको पीसूंगी। अब देखिए साग को मैं पंखा में अच्छी तरह से ठंडा कर ली हूँ और ठंडा करके इसमें अदरक, मिर्ची, लहसुन सब डाल के एक साथ पीसूंगी। अब देखिए इसमें लहसुन पे और अदरक मिर्ची के साथ इसके साग को भी डाल करके मैं केवल महीन करके पीस दूंगी। साग देखिए मैं पीस करके ले आई हूँ और इसमें फिर आटा में मैं देखिए 2 चम्मच मैं सूजी डाल रही हूँ। सूजी से थोड़ा कुरकुरा और खस्ता पूड़ी बनेगा। 2 चम्मच मोयम के लिए घी डालूँगी। आप घी के जगह आप रिफाइंड भी यूज कर सकती हैं। नमक स्वादानुसार लेना है। फिर इसमें बस साग में डाल दूँगी। अगर साग ठीक से नहीं पिसा रहा हो तो 1-2 चम्मच पानी भी यूज कर सकती है। इसमें के लहसुन ज़्यादा पानी। अब अच्छी तरह से देखिए सब चीज़ को मिक्स कर दे रही हूँ। मिक्स करके मैं इसे सख्त टो लगाऊंगी, एकदम सख्त आटा गूंथना है इसे, तभी एकदम खस्ता पूरी बनेगी। देखिए इस तरह का एकदम सख्त रो लगाना है, एकदम सख्त आटा गूंथना है, तब इसकी पूरी अच्छी बनेगी। अब नींबू का काट के देखिए छोटे छोटे मैं लोई काटी हूँ। अब इसमें सरसों तेल लगा करके मैं बेलूंगी। ये एकदम एक ग्रीन कलर की पूरी देखने बहुत अच्छा लगता है, किसी गेस्ट को खिला सकती। इसका चाहिए तो पराठा भी बना सकती है पूरी, लेकिन पूरी ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत अच्छा लगता है। मैं देखिए तेल में डाल दे रही हूँ, तेल गर्म हो गया। खाने में देखिए बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी लगती है खाने में। बस इसमें लहसुन ही ज़्यादा क्वांटिटी में डालना, मिर्ची अदरक अपना डालिए अपना स्वाद अनुसार, जैसा तीखी खट्टी का खाते हैं आप लोग। बन करके देखिए गरम गरम पूरी एकदम तैयार है, एकदम फूली फूली, कितनी अच्छी पूरी बनी और कितनी अच्छी लग रही है। और इसके साथ मैं आलू और मटर की सब्जी बनाई हूँ। आप किसी भी सब्जी के साथ खा सकती है, या अचार के साथ खाती है, या सॉस के साथ खा सकती है। आशा करती हूँ आप लोग ज़रूर से घर में बनाकर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और नमस्ते।